जैसे कि अपने ये फील्ड में गए थे और फील्ड में से फील्ड बुकर बना करके लेकर के आए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इधर से हमने जरीब को इस तरीके से बिछाया गया है, और जरीब को जब बिछाया गया तो देखा गया कि जरीब की किस कड़ी के ऊपर हमने कोई ऑफसेट देखा है। तो जब हम जरीब के ऊपर चले तो हमने 10 नंबर कड़ी के लेफ्ट साइड में देखा कि यहाँ पर एक पोल लगा है, तो हमने उस पोल की दूरियाँ यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और उसके बाद में 15 नंबर कड़ी पे गए और वहाँ से देखा कि यहाँ पर हमारे पास में कॉर्नर 1 आ रहा है और एक दूरी कॉर्नर 2 आ रही है। इसका कच्चा चित्र जो है, रफ मैप जो है, ये पहले ही बना लिया गया था फील्ड में जाते ही। तो फील्ड में जाते ही सबसे पहले आप एक इसका कच्चा चित्र बनाओगे कि आप किस एरिया का डायग्राम ले रहे हैं, किस एरिया का सर्वे कर रहे हैं। और इस प्रकार से जरीब आपने बिछा रखी है, सबसे पहले जाकर के वहाँ पे नॉर्थ को सेट करना है। तो यहाँ नॉर्थ जो सेट किया गया, नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड में होता है, तो नॉर्थ सेट किया गया है कहाँ पे, 84 नंबर कड़ी पे। 84 नंबर कड़ी पे यहाँ नॉर्थ 1 N1 हुआ और 86 नंबर कड़ी पे N2 निकाला गया। यानी अपने क्या किया, एक सर्वे दंड रखा और वो नॉर्थ की साइड में सीधा करके रख लिया गया कंपास की मदद से, और फिर देखा गया कि उसके दोनों सिरे जो है वो कहाँ पर कितनी दूर हैं इस जरीब से। इस प्रकार से जब अपने नॉर्थ निकाला और उसके बाद में हर एक पॉइंट को देखना शुरू कर दिया कि इसके लेफ्ट में क्या कौन पॉइंट आ रहे हैं और राइट में कौन से पॉइंट आ रहे हैं। इतना शुरू करते हैं एक मानचित्र, यानी उस पूरे के पूरे डायग्राम को हम इस मानचित्र पर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस चार्ट का तीसरा हिस्सा जो है यहाँ से अलग कर देना है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस चार्ट को अलग कर देंगे। ऐसे ही ये अलग किया, इसको भी आगे से चल करके हम इसे आधा कर देते हैं। ये हो गया यहाँ से, इसे हाफ कर देते हैं। हाफ करने के बाद में अब जो ये बचा है, यहाँ से भी क्या कर दिया जाएगा, इसको हाफ कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर हेडिंग के लिए हम एक अलग से लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। अब हेडिंग में क्या आएगा, यहाँ पर पहला वर्क हमारा आएगा, यहाँ पर दूसरा वर्क आएगा, यहाँ पर तीसरा वर्क आएगा। पहला वर्क क्या था, जाते ही सबसे पहले हमने एक रफ मैप बनाया था, कच्चा चित्र बनाया कि हमने इस एरिया का इन पॉइंट्स को लेना है, सर्वे करना है। दूसरा वर्क हमने किया फील्ड बुक, उसकी फील्ड बुक तैयार की, ये फील्ड बुक यहाँ पर बनेगी। और उसके बाद में तीसरा कैलकुलेशन करेंगे, इस पूरी की फील्ड बुक को मानचित्र पर लाने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक जल्दी से एक रफ मैप बना लेते हैं। तो ये था हमारे पास में रफ मैप, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके का है। यानी यहाँ पर एक सड़क गुजर रही थी ना, दो सड़कों का यहाँ पे क्रॉस हो रहा था, तो उनको हम यहाँ पे बना देंगे। तो ये थोड़ा सा सही से बनाना आपको। इसके बाद में और क्या क्या ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर पोल बना हुआ है, एक पोल हमने यहाँ से लिया है, दो पोल लिए, यहाँ पर देखा कि एक पेड़ है तो यहाँ से एक पेड़ देखा गया। और उसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पेड़ है ये पार्किंग एरिया में आता है, ये इस तरीके से यहाँ पर किसी का, यानी कि बिल्डिंग टाइप कुछ था यहाँ पे, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्या था, बस अपने को इस तरीके से यहाँ पे बनाकर छोड़ देना कि हमने इस एरिया का सर्वे किया है और ये यहाँ से क्या गुजर रही है, रोड। तो ये रोड को आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये क्या है, सड़क जा रही है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा रफ मैप, जैसा हमने वहाँ देखा आंखों से वैसा बना दिया। लेकिन ये पूरा शुद्ध मैप नहीं है, ये मानचित्र पर जब बनाएंगे वो हम उस जरीब की मदद से बनाएंगे यहाँ पे। तो फिर पहले दूसरे नंबर पे हमारे पास में क्या आएगा, जो हमने जरीब सी दूरियाँ यहाँ पे ले रखी हैं। यानी अब बारी आती है हमारे पास में फील्ड बुक बनाने की। इस तरफ होता है बी पॉइंट और इस तरफ होता है ए पॉइंट। अब यहाँ से देखते हैं जरीब को, यहाँ फील्ड बुक देखते हैं। तो 10 नंबर कड़ी पर गए तो क्या देखा कि इस तरफ हमारे पास में पी वन है, पोल वन है, जिसकी दूरी जो है वो है 4.85 मीटर। उसके बाद में 15 नंबर कड़ी पे गए तो यहाँ पर देखा गया कि इस तरफ क्या मिल रहा है हमें, एक कॉर्नर यहाँ पर मिल रहा है इस एरिया में, जिसे सी वन लिखा, और एक कॉर्नर हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये देखो एक कोना यहाँ वाला आएगा और एक कोना ये वाला आएगा, दो कोने आएंगे ना यहाँ पे, तो दोनों की दूरियाँ हम यहाँ पे लेंगे ताकि हमें पता चले ना कि ये कोना हमें कितनी दूर जा करके इसको मोड़ना है और उसके बाद इसको यहाँ से कैसे मिलाना है। तो दोनों पॉइंट हमें लेने पड़ेंगे। यहाँ हो गया, तो पहले कोने का C1 जो है इसकी दूरी कितनी है, तो ये बनी थी कितनी, यहाँ पे देखिए जरा, 1.75 मीटर, और दूसरा हमारे पास बना था 12.05। और ये दूरियाँ किस मिली गई हैं, मीटर मिली गई हैं, ये हमारे पास में C2 है। इसके बाद में और आगे चलते हैं तो यहाँ हमने 69 नंबर कड़ी पर, 69 नंबर कड़ी पर हमने देखा कि क्या था यहाँ पे भी, पोल 2, यहाँ पोल 2 है। उसके बाद में 66, ये पहले आएगा 66 जो है, और यहाँ पर देखा गया है C3, और C3 की दूरी है 11.40। चलिए दूसरा काम भी हो गया, ये दो काम आपके फील्ड के हैं। और जैसे ही आप वहाँ से लौटे तो अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा वर्क है, जिसे कहते हैं ऑफसेट की गणना करना।
ऑफसेट यानी जितने भी हमने यहाँ से ऑफसेट लिए हैं ये सब ऑफसेट कहलाते हैं, इनकी हमें गणना करनी है और उन्हें यहाँ पर जरी पर बनाना है। तो देखिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा जिसे आप हल करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जरीब की मानचित्र पर लंबाई, जरीब की मानचित्र पर लंबाई। अब जरीब की लंबाई वास्तव में कितनी थी, 30 मीटर की। 30 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया, ये सेंटीमीटर में आ गया। अब ये बन गया 3000 सेंटीमीटर। अब 3000 सेंटीमीटर लंबी जरीब है तो हम यहाँ पर लाइन नहीं खींच सकते 3000 सेंटीमीटर की, तो इसीलिए हमें अब चाहिए आरएफ। आरएफ क्या करती है, आरएफ जो भी होगी वो धरातल की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करती है, धरातल की दूरी को मानचित्र पर प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ पर चलते हैं 1:100 आरएफ के अनुसार। इस आरएफ के अनुसार यदि हम जरीब की लंबाई देखेंगे मानचित्र पर तो कितनी आएगी, सिर्फ इतने काम करना है कि आरएफ के साथ इसको गुणा कर देना है। तो ये 20 से 20 कट जाएगी तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ तो वे मीटर में थी लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, सेंटीमीटर में। तो अब यानी कि अब हमारे पास में 30 सेंटीमीटर का स्केल है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरफ जरीब बना लेंगे। यहाँ पे तो 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ 30 सेंटीमीटर की यहाँ पर हम जरीब बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जरीब बनाते, ये जरीब बनकर के तैयार है। जरीब की कड़ियों के बारे में आप इस प्रकार से यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये जरीब की कड़ियाँ हमने इस प्रकार से बना ली कि देखने में एक प्रकार से जरीब हमें दिखी। अब देखिए जरीब की लंबाई हमारे पास में हो चुकी है। अब हमें जो भी काम करना है वो उसकी कड़ियाँ मापकर हमने किया था कि जो भी हमने नोट बनाया तो 84 नंबर कड़ी पर गए थे, तो 84 नंबर कड़ी यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी हमें, तो इसलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, जरीब की प्रत्येक कड़ी की लंबाई। अब प्रत्येक कड़ी की लंबाई निकालनी है तो आपके पास में जरीब की लंबाई कितनी निकली, 30 सेंटीमीटर। जरीब की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और एक जरीब के अंदर कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं, तो इसको 100 हिस्सों में बांट देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक कड़ी की लंबाई आ जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ की गणना करनी है। तो हर कोई भी ऑफसेट होगा उसके लिए दो गणनाएँ होंगी। पहली गणना N1 की जरीब पर दूरी, दूसरी गणना N1 की जरीब से दूरी। तो जरीब पर दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, जरीब पर दूरी देखी जाती है, जरीब पर हमने 84 नंबर कड़ी पर जाना है तो 84 नंबर कड़ी है और एक कड़ी की लंबाई कितनी है, 0.3। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये टोटल कितनी लेंथ बनेगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपको यहाँ पे, तो ये बनेगा 4 × 3 = 12 और 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 25.2 सेंटीमीटर। तो 25.2 सेंटीमीटर पर हमें क्या मिलने वाला है, N1 मिलेगा 25.2, ये हमारे पास यहाँ पर N1 मिलेगा। और अब हमें N2 भी देखना है, N2 की फिर से वही सेम क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, N2 की जरीब पर दूरी। अच्छा ये एक बात ध्यान रहेगी, कौन सी, N1 की जरीब से दूर कितना, जरीब से दूर कितना है, तो N1 जरीब से दूर है ही नहीं, 0 मीटर दूर है, इसलिए यहाँ तो हम इसका 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और उसको मानचित्र पर लाने के लिए मापनी से आरएफ से गुणा करेंगे, तो यहां से 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 0 सेंटीमीटर, यानी कोई दूर नहीं चलना अपने को। तो ये बात आपको यहाँ पर जाकर सिद्ध होगी, अभी आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर देखते हैं N2 की जरीब पर दूरी कितनी है, जरीब पर दूरियाँ N2 86 नंबर कड़ी है, यहाँ पर हम करेंगे 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6 × 3 = 18 और 8 × 3 = 24 और 1 = 25, तो ये हो गया 25.8 सेंटीमीटर। दूसरी कैलकुलेशन क्या है, N2 की जरीब से दूरी, तो जरीब से दूर कितना था, ये 1.95 मीटर था, तो सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से, अब इसको मानचित्र पर लाएंगे तो आरएफ से गुणा करेंगे और यहाँ से ये कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी 1.95 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जरीब पर कितना चलना है अपने को, जरीब पर कितना गए थे, 25.8, कितना 25.8 यहाँ पर आ जाएगा 25.8, और जरीब से दूर कितना जाना है, 1.9 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे कि N1 कहाँ पे था, ये N1 था, तो यहाँ से N2 पर चलते हैं, यहाँ से चलते हैं N2 पर, ये कुछ यहाँ बनेगा, तो ये हमारे पास निकल आएगा क्या, N1
और ये हो गया N2, ठीक है, ये इस प्रकार से बन गया है। ओके, अब देखिए सभी पॉइंट की कैलकुलेशन इसी प्रकार से करनी है, जितने भी किए हैं। अब शुरुआत करेंगे, वापस ए पर आ जाएंगे, वहां जब आप फील्ड में जाओगे ना तो वहां पर भी आपने ऐसे करना है। सबसे पहले आकर के नॉर्थ चेक करना है कि नॉर्थ कहां पे बनेगा, और उसके बाद वापस यहां ए पॉइंट पे आओ और यहां से देखते जाओ कि आपको कौन कौन से पॉइंट लेते जाना है। तो आप इधर देखेंगे, यहां पोल मिला, आपने इसकी दूरी नापी और कड़ियों की संख्या देखी, 10 नंबर कड़ी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब यहां तो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा बात है। ये सिंपल क्यों है, क्योंकि यहां पर अपने को आरएफ 1:100 दी गई थी। यदि आरएफ यहां पर 1:150 आ जाएगी या 1:50 आ जाएगी, तो 150 आ जाएगी तो नीचे 150 लिखेंगे और फिर उससे यहां पे कटिंग करेंगे, और अगर 50 आएगी तो 50 से इसको काटेंगे, बस और कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से अब देखिए जरा, P1 जरी पर कितना चलना है अपने को, जल्दी से बताएं जरी पर कितना चलेंगे, P1 की जरी पर दूरी कितनी है, आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर पर आए। अब 3 सेंटीमीटर, अब जरीब से दूर कितना जाना है, कितना 4.85, और किस साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, इधर इस साइड में, यहाँ से देखेंगे ऐसे इधर बना तो इधर ही जाना अपने को, तो 4.8 पे जाना है, तो ये हमारे पास में 4.8 आ गया। और अब यहाँ से जब जाओगे ना दूर, तो यहाँ से डैश लगा करके चलना है अपने को, इस तरीके से डैश डैश लगाना है यहाँ पे, और यहाँ आकर आपको एक अच्छा सा पोल बना देना, जैसा आपने पोल कहीं देखा हो कि भी पोल इस प्रकार से होता है, ताकि आप समझ पाएं कि ये क्या है हमारे पास में, पोल है यानी बिजली का खंभा है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे बना दिया, बाद में हम इसको इंडेक्स के अंदर शो कर देंगे कि ये चीज़ क्या है। अब अपने को देखने से किसी को कुछ और लगेगा कि किसी को पोल लगेगा, किसी को ऐसे लग सकता है कि ये क्रॉस का सिंबल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जब हम इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स में लिख देंगे कि ये पोल है, ताकि देखने वाला इसको देख करके समझ सके कि ये पोल की बात हो रही है, ठीक है, ये रही। अब ऐसे ही C1 की कैलकुलेशन करेंगे, तो C1 के लिए क्या आएगा, ये एक कॉर्नर है। इस प्रकार से इन सभी की कैलकुलेशन करनी है, और जो कैलकुलेशन आती जाएगी वो जरीब पर दूरी यानी ऐसे मापना, और जरीब से दूरी मतलब इस तरीके से मापना है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर यहाँ हम लिखेंगे रफ बुक, यहाँ लिखेंगे फील्ड बुक, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट यानी ऑफसेट की गणना, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर आज हमने ये सर्वे क्या किया है, कौन सा सर्वे किया है, वो सर्वे का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो सर्वे के नाम ही आप यहाँ पर लिख देना, ऊपर ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे कि चेन एंड टेप सर्वे, ठीक है, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, और कहाँ का सर्वे किया, उसकी लोकेशन नियर अमृत ईस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया यहाँ पर। और उसके बाद में ये हो गया, नीचे हमने यहाँ पे जो है ये मापनी बना रखी है, जो भी हमारे ये जरी बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर हम बनाएंगे इस साइड में इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स के अंदर यहाँ पर हम बनाएंगे पहले, जैसे यहाँ पर हम बना देंगे ये सैम्पल बना दिया, उसके बाद हमने ये बना दिया यहाँ पे, और एक हमने बना दिया इस प्रकार से। इसमें ये क्या चीज़ है, तो ये है हमारे पास में ट्री, ये क्या है पोल, ये क्या है कॉर्नर, तो ये हो गया। ये क्या बनाया हमने, इंडेक्स बनाया है, ठीक है। अब मेन जो रह गया हमारे पास में वो रह गया है मापनी, यहाँ पे क्या बनानी है, नीचे मापनी बनानी है। तो मापनी की कैलकुलेशन कैसे होती है, आपके पास में आरएफ कितनी है, 1:100, ये आरएफ है। 1:100 का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बन जाएगा, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। अब हम लेंगे मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई हम कितनी लेंगे, मापनी की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लंबाई लेते हैं, 10, 12, 15 कोई भी ले सकते हैं। 10 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे तो आगे कितना आएगा, 10 मीटर आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर में 10 मीटर बनेगा। और उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, अब इसके प्राथमिक विभाजन कर देंगे, तो प्राथमिक पहले बड़े टुकड़े करने हैं इसके, तो हम यहाँ पे 5 टुकड़े कर रहे हैं, मीटर बराबर में 2 मीटर। अब इसके हम करेंगे गौण विभाजन, गौण, तो गौण का मतलब इसको भी आगे तोड़ना है, और मीटर के अंदर क्या होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो फिर 2 मीटर में कितने होंगे, 20 डेसीमीटर होंगे। तो अब हम इसके क्या कर देंगे यहाँ पे, 4 टुकड़े कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.5 सेंटीमीटर बराबर में आ जाएगा 5 डेसीमीटर।
तो ये सारी कैलकुलेशन हमें क्या करनी है।